नमस्कार, एनवी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। इंसाफ की दरकार। जी हां, हाथरस कांड के आरोपियों ने जेल से पुलिस अधीक्षक को चिट्ठी लिखी है और इस चिट्ठी में चारों आरोपियों ने कहा है कि वह निर्दोष हैं। घटना के मुख्य आरोपी संदीप ने दावा किया है कि पीड़िता के साथ उसकी दोस्ती थी और जिससे उसके परिवार नाराज भी चल रहा था। संदीप के मुताबिक ये पूरा मामला ऑनर किलिंग से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, एसपी को भेजे गई चिट्ठी में संदीप ने कहा कि पीड़िता के साथ मेरी दोस्ती थी, मुलाकात के साथ साथ कभी कभी उससे फ़ोन पर भी बात हो जाती थी। मेरी ये दोस्ती उसके घर वालों को पसंद न थी। घटना के दिन पीड़िता ने मुझे मिलने के लिए खेत में बुलाया था। जब मैं वहां गया तो पीड़िता के साथ उसकी माँ और भाई भी मौजूद थे। अपनी चिट्ठी में आरोपी संदीप ने कहा है कि पीड़िता के कहने पर मैं अपने घर चला गया, अपने पिता के साथ पशुओं को पानी पिला रहा था। तभी मुझे खबर मिली कि पीड़िता की माँ और उसके भाई ने उसकी पिटाई की है, उसे गंभीर चोटें आई हैं और उसके बाद उसकी मौत हो गई। संदीप ने कहा कि मैंने कभी भी पीड़िता को मारा नहीं और कभी कोई गलत काम नहीं किया। संदीप का आगे कहना है कि इस मामले में हम निर्दोष हैं। मेरे रिश्तेदार रवि और शंभू को भी फंसाया गया है, साथ ही लवकुश का नाम भी जबरदस्ती उसमें डाला गया है। हम चारों निर्दोष हैं और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हैं। हाथरस जेल अधीक्षक ने चिट्ठी लिखे जाने की पुष्टि की है, हालांकि अभी तक एसपी की ओर से इस पर कोई बयान नहीं आया है। गौरतलब है कि गांव के कई लोग भी पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले में लड़के निर्दोष हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें फंसाया जा रहा है। जी हाँ, मामले की सीबीआई जाँच की मांग करते हुए दोनों पक्षों ने नार्को टेस्ट हो जाने की तो मांग की, लेकिन इस बीच पीड़िता पक्ष की ओर से ये कह दिया गया कि वो नार्को टेस्ट नहीं चाहते हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जहां एक ओर आरोपी पुलिस अधीक्षक को चिट्ठी लिखकर खुद को बेकसूर बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पीड़िता की भाभी और माँ ने, यहाँ तक कि पिता ने भी ये कहा है कि हमारे खिलाफ साजिश की जा रही है। और भाभी ने तो यहाँ तक कहा कि पीड़िता चुपके से जला दी गई और हम लोगों को अब जहर दे दो, हमें मार दो। यानी कि हाथरस मामले में एक के बाद एक नई नई सारी चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं। पहले एसआईटी की जांच में ये पता चलता है कि आरोपी संदीप और पीड़िता का भाई, इन दोनों के बीच में 6 महीने के अंतराल 106 कॉल की जाती हैं, फ़ोन कॉल, उसमें तकरीबन 4 से 5 घंटे की रिकॉर्डिंग है। CDR निकल के सामने आती है। इस बात को खुद पुलिस महकमा कहता है, एसआईटी की जाँच में ये स्पष्ट तौर पर हुआ। उसके बाद चिट्ठी लिखी जाती है एक तरफ, जहां पर पीड़िता के परिजन ये लगातार कह रहे हैं कि हमें न्याय दीजिए, तो दूसरी तरफ आरोपी खुद इस बात को कह रहे हैं कि हमें भी न्याय चाहिए, निष्पक्ष जांच की जाए और इस पूरे मामले में जांच पर हमें भरोसा है, संवैधानिक प्रक्रिया पर हमें भरोसा है, हम चारों लोग निर्दोष हैं। और एसपी से पूरे घटनाक्रम का जिक्र करते हुए आरोपी ने पत्र लिखा। और साथ ही आपको बता दें कि आरोपियों ने बाकायदा अपने हस्ताक्षर करके अपने अंगूठे के निशान उसमें लगाए हैं और न्याय की गुहार लगाई है। ये अलीगढ़ जेल में बंद चारों आरोपियों ने हाथरस पुलिस अधीक्षक को खत लिखा है। अब सवाल यह कि फोन कॉल और चिट्ठी में कितने राज छुपे हैं, हाथरस कांड के आखिर हैं कितने राज, ये बड़ा सवाल है। एक के बाद एक चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं। अब सिर्फ इंसाफ का इंतज़ार। आरोपियों की ओर से ये कहा जा रहा है कि सिर्फ इंतज़ार है, सिर्फ इंसाफ का है। जेल में आरोपियों की चिट्ठी, और ये चिट्ठी ये बताती है जाहिर तौर पर कि आरोपी अब इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। वो हर एक जांच के लिए तैयार हैं, नार्को टेस्ट तक के लिए तैयार है, सीबीआई जांच के लिए भी आरोपी तैयार है, लेकिन पीड़ित पक्ष इस पूरे मामले में ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि हमें इस तरह की कोई जांच नहीं चाहिए जिसमें सीधा सीधा दखल सरकारों से जुड़ा हो। हमें चाहिए कि अदालत की निगरानी में पूरे मामले की जाँच हो। इस पूरे मामले में ये अब देखना होगा और समझना होगा कि जांच का दायरा किस कदर बढ़ता है आगे और क्या कुछ और नई थ्योरियां निकल कर सामने आती हैं। दोनों पक्षों को लगातार सुनने के बाद ये भी कहा जा रहा है कि आखिरकार इस पूरे मामले में कुछ न कुछ गड़बड़ झाला निकल कर सामने आ सकता है। हालांकि सवाल ये उठाया जाता है पीड़ित परिवार की ओर से कि आखिर हमारी बेटी को क्यों जला दिया गया, क्यों आधी रात में उसे ख़त्म कर दिया गया, जला दिया गया, उसके शव को जलाया गया पुलिस के द्वारा, क्यों हमें नहीं सौंपा गया जब उसको जला दिया गया चुपके से,
तो हम लोगों को भी जहर दे दो। सूर्य प्रताप सिंह पूर्व आईएएस हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सूर्य प्रताप जी, बहुत स्वागत आपका एएनवी न्यूज में। थैंक यू। सूर्य प्रताप जी, हाथरस कांड तो आपको बखूबी समझ में आ ही गया होगा और आप देख भी रहे होंगे कि किस किस तरह से चीजें निकल कर सामने आ रही हैं, और पूरा माजरा जिस दिन से ये सामने आया उसके बाद सियासी घटनाक्रम भी लगातार, हर एक राजनीतिक पार्टियां वहां पहुंच रही हैं, अपने अपने सिंपैथी जता रही हैं, ढांढस बनाने पहुंच रही हैं, कुछ ढांढस के साथ साथ अपनी भी सियासी जमीन तैयार कर रही हैं। मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि एसआईटी की जांच चल रही है, 10 दिन का और समय मिला, अब 16 तारीख को रिपोर्ट सौंपनी होगी एसआईटी को। इसमें एक और अब चिट्ठी निकल के सामने आती है जो अलीगढ़ जेल से हाथरस पुलिस अधीक्षक को सौंपी जाती है। आपने तमाम सारे मामलों को देखा है, कई जगह बतौर डीएम जिलाधिकारी आप रहे हैं, ऐसे मामलों को पर थोड़ा सा सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो किस तरह से देखा जाए, और इन मामलों को बाकी लोग किस तरह से समझें कि आखिर चल क्या रहा है हाथरस में, कितने राज छुपे हैं इस चिट्ठी में? देखिए, इस चिट्ठी का लीगल कोई महत्व नहीं है। पुलिस से जेल में गई, उनका बयान रिकॉर्ड किया है, एसआईटी ने उनका बयान रिकॉर्ड किया है जो आरोपी है, और आरोपी इस तरह की चिट्ठी लिखे उसको प्रेस में लीक करके एक तरह से दबाव बनाना चाहते हैं कि हम निर्दोष हैं। और वो ये जो पंचायतें हैं, जो जातिगत पंचायतें चल रही है, वो भी एक तरह यही काम कर रही है। तो इस वक्त ये एक तरह का ऐसा लग रहा है कि जैसे कि दबाव बना के जो जांच है उसको प्रभावित कर दिया जाए। मैं चाहूंगा, चूंकि सीबीआई इंक्वायरी के आदेश हो गए हैं और नोटिफिकेशन हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी नहीं किया, केवल घोषणा की है जो अखबार प्रतिनिधि है, और अभी एसआईटी ही जांच कर रही है, तो एसआईटी का जांच करे, उसको जांच करने दिया जाए। एसआईटी उनके बयान ऑलरेडी ले चुकी है जो आरोपी है, एसआईटी को ही ये बयान दे। ये एसएसपी को चिट्ठी लिख के और उसको प्रेस में लीक करके ये कोशिश कर रहे हैं दिखाने की कि ये ओनर किलिंग है, हमने नहीं मारा इसको, ये सारे फैक्ट्स तो उनको पुलिस को बताने चाहिए। ऐसे लिख के और प्रेस में लीक करने से इनको केवल भावनाओं को अपने साथ करने के लिए, जातिगत भावनाओं को, इस तरह का कोई लीगल महत्व इसका कुछ नहीं है कानून के दायरे में। ये जो चिट्ठी निकलकर सामने आई है अब जेल से, क्या जब ये गिरफ्तार हुए थे पूछताछ नहीं हुई होगी? क्या वो बयान दर्ज नहीं किए गए होंगे जो अब ये सारी चीजें याद आ रही हैं इन लोगों को? देखिए, पुलिस ने बयान दर्ज कर दिया, पुलिस के बयान दर्ज करने का मतलब ये है कि पुलिस कोई जरूरी नहीं है दस्तखत कराए इनसे। पुलिस खाली मौखिक बयान ले लेती है और अपने हिसाब से उसको लिख लेती है। पुलिस ने दर्ज किए होंगे, वो केस डायरी काटी होगी, केस डायरी में होंगे दर्ज बयान, और ये जो चिट्ठी है ये भी उसी का पार्ट बन जाएगी कि उन्होंने चिट्ठी लगा, इन्होंने चिट्ठी भेजी है। इसको कोई जरूरी नहीं है पुलिस कॉग्निजेंस ले, इसको ये भी जरूरी है कि कोर्ट भी कॉग्निजेंस ले। तो मैं फिर आपसे दोहरा आ रहा हूँ कि ये केवल दबाव का एक तरीका है कि मीडिया में दबाव बना दिया जाए। देखिए किस तरह से पलटी खाता है मीडिया, मीडिया में तो देखिए ना अपनी तरफ कितना पलटी खाता है। एक बार जब पहले माहौल बना था तो उसके जो जो पीड़ित है उसके पक्ष में खड़ा हो गया था आज मीडिया, और आज मीडिया ऐसा लगता है कि पीड़ित को पीड़ित के विरुद्ध खड़ा हुआ है, पूरा मीडिया ही दिखाई दे रहा है। अरे सबसे पहली चीज तो ये, किसी की जान गई है उसके साथ रेप हुआ है अथवा नहीं हुआ है वो दूसरा बात है, वो तो जांच का विषय है। सबसे पहली चीज है उसका जीवन चला गया जो वापस नहीं आना है, उस पर फोकस नहीं है, उस बेटी को न्याय मिलने चाहिए उस पर फोकस नहीं है। फोकस ये है किस तरह से पीड़ित जो जो आरोपी है उनको बचा लिया जाए, जाति के आधार पर बचा लिया जाए, ऑनर क्लीन के नाम पर बचा लिया जाए, या कोई इंटरनेशनल कॉन्स्परेंसी बनाकर जो सरकार ने फ्लोट की है उसके आधार पर बचा लिया जाए, तो ये या सरकार अपने आप को बचा ले जो अपनी नाकामी है इस केस में जो जाहिर हुई है, जो प्रबंधन रहा है, कानून व्यवस्था का इतना पुअर रहा है राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, उससे सरकार अपने आप को बचाना चाहती है। तो पूरा एक स्वार्थ बन गया, एक नाटक बन गया पूरा ये। उस नाटक में हमको डर ये है कहीं पीड़िता को न्याय ना खो जाए कहीं उस नाटक के अंदर। ये जो डीएम को लेकर लगातार ये मांग उठ रही है सूर्य प्रताप जी के, देखिए एसपी को निलंबित कर दिया गया, बाकी लोगों पर गाज गिरी, लेकिन डीएम साहब को अभी भी महकमे में रखा है और वो बतौर वहाँ पर जिलाधिकारी अभी भी काम कर रहे हैं, जबकि सबसे ज़्यादा उनके सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुए, परिवार को उन्होंने किस किस तरीके से अलग अलग अपने तरीके से समझाने की, और उनके हिसाब से तो समझाने की लेकिन अगर ये कहा जाए कि धमकाने की भी कोशिश की, बावजूद इसके उन पर कार्रवाई नहीं होती। फिर ये होता है कि आईपीएस एसोसिएशन जो है एक तरफा सीधा सीधा ये आरोप लगाता है कि जब आईएएस एसोसिएशन के खिलाफ ये कार्रवाई क्यों नहीं।
आप जिलाधिकारी रहे हैं बतौर, आपके भी संज्ञान में तमाम ऐसे मामले आए होंगे, इस तरह की घटनाओं को किस तरह से देखा जाए और डीएम साहब की भूमिका को किस तरह से देखा जाए? देखिए, डीएम का रोल संदिग्ध रहा है। डीएम ने परिवार को धमकाया है, वो ऑन रिकॉर्ड पब्लिक डोमेन में वो वीडियो चल रहा है। डीएम हैज गॉट नो बिजनेस टू डू दैट। वो जांच को किसी तरह प्रभावित नहीं कर सकते। डीएम का द्वारा ये जो किया गया करता है, ये कानून के दायरे में अपेक्षित नहीं है जिला मजिस्ट्रेट से। लेकिन बिंदु ये है कि ये जो काम जिला मजिस्ट्रेट ने किया, क्योंकि अब राज्य सरकार उनको हटा नहीं रही है, इसका मतलब राज्य सरकार मान रही है कि जो डीएम ने कहा, जो किया और करा, वो ठीक किया। तो वो सरकार उसकी ओनरशिप ले रही है ना। डीएम ने जो बयान दिया, हमारे कहने पे दिया। डीएम ने जो बयान दिया, ठीक किया। डीएम ने जो सबको रात में जलवाया, वो बिल्कुल ठीक किया। हमने ही कहा था उनसे, किस मुंह से जो सरकार है वो डीएम के खिलाफ कार्रवाई करे? सर वो कहेगा, डीएम तो ये कहेगा, साहब आपने जो कहा था मैंने किया। आपने कहा था परिवार को समझाइए, मैंने समझाया। आपने कहा सबको रात को डिस्पोज कर दीजिए, कल के दिन कानून व्यवस्था की समस्या हो सकती है, मैंने वो जलवा दिया। तो आप मुझे फिर दोषी कैसे ठहरा रहे हो? तो राज्य सरकार ने खुद ओनरशिप ले ली है, जो डीएम के अगर वो ट्रांसफर नहीं करते या कार्रवाई नहीं करते उसके खिलाफ, बर्खास्त नहीं करते उसको, तो इसका मतलब सरकार ओनरशिप ले रही है कि डीएम ने जो अच्छा भला बुरा किया वो हमारे कहने पे किया, हम उसकी जिम्मेदारी लेते हैं। और पुलिस का ये बयान आ जाता है लखनऊ से शीर्ष नेतृत्व का कि हमने कोई ऐसा आदेश जारी नहीं किया था कि रातों रात उस पीड़िता के शव को अंतिम संस्कार कर दिया जाए, जला दिया जाए। ये तो हाथरस प्रशासन ने ही सब कुछ किया, ये सीधा सीधा जिला प्रशासन के ऊपर डाल दिया। ये तो सामने आएगा ना जब जांच होगी। अभी तो कहने से किसी को चलता नहीं है। भाई डीजीपी ने कहा, प्रमुख सचिव गृह ने कहा, या मुख्यमंत्री ने कहा, या किसने कहा, हम तो यही मानेंगे उन्होंने ही कहा। जब आप जिलाधिकारी का ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, आप कहते हैं जिलाधिकारी रात में सब जलवाया, जिलाधिकारी ने खुद उसको धमकाया, अपनी जिलाधिकारी का दायित्व है, और आप ये मानते हैं, इनका सारी जनता मानती है, पूरा मीडिया मानता है कि जिलाधिकारी दोषी है, और सरकार उसको ट्रांसफर नहीं करती, उसको बर्खास्त नहीं करती है। इसका मतलब क्या हुआ कि सरकार ही उसको ओन कर रही है, सरकार के कहने पर सब कुछ किया, सरकार उसको सही मानती है, तो कार्रवाई तो सरकार के खिलाफ हो ना, कार्रवाई उन अधिकारियों के खिलाफ हो जो सरकार में बैठे हुए हैं। वो सब वो ओनरशिप ले रहे हैं ना डीएम के, तो जो अच्छे बड़े बुरे काम किए हैं, नहीं तो डीएम को बर्खास्त कर देते, जैसे एसपी को किया है। एक फैक्ट यह बहुत महत्वपूर्ण है, वही एसपी जो हाथरस में था, वही एसपी उन्नाव में था जब सेंगर को बचाया जा रहा था। लोगों को पता नहीं है इस फैक्ट का। अगर किसी का बैकग्राउंड ये है कि जो आरोपी बलात्कारियों को बचाने के लिए जाना जाता है एसपी, उसने सेंगर के केस में बचाया और पीड़िता को काफी परेशान करवाया, वही व्यक्ति हाथरस में है, तो आप मान के चलिए वो व्यक्ति क्या बलात्कारी, जो बलात्कारी उनका साथ देगा जो सरकार देना चाहती है, जो सरकार इसके प्रति सहानुभूति इनके प्रति है, या फिर वो पीड़िता के साथ खड़ा होगा? उसका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है जो हमेशा पीड़िता को के विरुद्ध खड़ा होता है। तो पुलिस के खिलाफ कार्रवाई जो हुई है, वो जैसी भी हुई है, डीएम के खिलाफ नहीं हो रही है, ये तो सरकार का दायित्व। सरकार देखे, मेरे हिसाब से दोनों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, दोनों को समान दोषी मानना चाहिए था, लेकिन सरकार ने नहीं माना। इसका मतलब सरकार ने डीएम को डिफेंड किया, डीएम के सारे कष्टों को, बयान को सरकार सही मानती है, सरकार ओन करती है उसको। सूर्य प्रताप जी, देखिए इस पूरे मामले में मैं चाहूंगा कि आप जो है एक एक फैक्ट, एक एक सिलसिलेवार तरीके से लोगों को समझाएं। करोड़ों लोग जो आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि एक जिलाधिकारी होने के नाते कई सारी जगहों पर आपको ऐसे मौके मिले होंगे, आपने देखा होगा, ऐसे मामले भी आपके सामने आए होंगे जो बड़े पेचीदगी भरे होंगे, जिसमें कहीं झूठ और कहीं सच छुपा होगा। वो तमाम सारे आपके कार्यकाल में चीज़ें रही होंगी, और कैसे कैसे ये चीज़ें निकलती हैं और कैसे कैसे लोगों को इंसाफ मिलता है, ये तमाम सारी चीज़ें हैं जो इस पूरे कार्यक्रम के दरमियान मैं समझूंगा बारीकी से आपको। आपने एक बात कही कि देखिए डीएम तो वो कर रहा है जो आलाकमान कह रहे हैं, जो कॉल आ रही हैं, जो उसको निर्देश दिए जा रहे हैं। मैं समझूंगा आपसे कि क्या वाकई में एक बड़े शीर्ष नेतृत्व के अधिकारी जिनके ऊपर पड़ी पूरी जिम्मेदारी होती है ज़िले की, चाहे वो डीएम हो या फिर एसपी हो, वो सब कुछ क्या एक फ़ोन कॉल से संचालित होते हैं? मैं समझूंगा, आप बने रहिएगा, एक ब्रेक के लिए मुझे रुकना होगा, उसके बाद इन तमाम सारे फैक्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे।
आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। ये दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है, इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 0114545445 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB News। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। जी हाँ, तो इंसाफ की दरकार, एक और जहां पर जो पीड़ित परिवार है वो इंसाफ की लगातार गुहार लगा रहा है कि उनकी बेटी को इंसाफ दो, उनकी बेटी की आत्मा को शांति मिले, इसलिए दरिंदों को फांसी के फंदे पर चढ़ाओ। तो दूसरी तरफ आरोपी जेल से इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। जी हाँ, इन तमाम सारे पहलुओं को समझने की कोशिश कर रहे हैं अपनी इस चर्चा में। हमारे साथ पूर्व IAS सूर्य प्रताप सिंह जी जुड़े हुए हैं। सूर्य प्रताप जी, जैसा मैं पूछ रहा था आपसे कि क्या वाकई में संचालित होता है क्या जिले का सिस्टम, ऊपर से फोन कॉल आ जाती है, इतना दबाव होता है कि अपने विवेक से जब एक बड़ा IAS अधिकारी, उसको खुद इतनी पावर होती है कि वो तमाम सारे व्यवस्थाओं को व्यवस्थित कर सकता है, लेकिन क्या बंधा होता है वो, क्या संचालित करने वाले आका अलग होते हैं? देखिए, सामान्यतः सामान्य परिस्थिति के अंतर्गत जिला मजिस्ट्रेट और SP निर्णय लेने की स्थिति में होते हैं, लेकिन ऐसी परिस्थिति जहाँ पे कोई जातिगत केस की बात हो रही है, हाई प्रोफाइल केस हो जा रहा है जिसका रिपरकशन राजनीतिक भी पड़ सकता है, ऐसे केसेस में जिलाधिकारी SP हमेशा अपने ऊपर के अधिकारी जो शासन में बैठे उनसे बातचीत करते हैं, उनको विश्वास में लेते हैं, उनकी डायरेक्शन लेते हैं और ऊपर के लोग भी वॉच करते हैं कि भाई हाथरस में ये घटना हुई है, इसमें ये रात में उसको जला दिया गया है या उसको उसकी मृत्यु हो रही है, उसको हाई प्रोफाइल केस बन चुका है, दिल्ली में उसको रेफर किया गया है, वो हाथरस में इलाज नहीं हुआ, उसका अलीगढ़ में रेफर किया गया। तो जब ये इतना हाई प्रोफाइल केस हो गया और इसका रिपरकशन जो है जातीय द्वेष पे आ गया, कानून व्यवस्था की व्यापक समस्या पूरे प्रदेश में फैल सकती है, ऐसे मामले में शासन के अधिकारियों को सूचित किया जाता है और सूचित तो अन्यथा भी किया जाता है, और शासन के अधिकारी मॉनिटरिंग करते हैं और लगातार निर्देश देते हैं और जो भी काम जो निर्णय लेते हैं चाहे छोटा हो या बड़ा हो वो ऊपर के अधिकारियों से पूछ के, मेरा मतलब DGP और प्रमुख सचिव गृह से लगातार संपर्क में जिलाधिकारी और SP रहे होंगे, उसके द्वारा उनके द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन हो रहा होगा। इवन इफ कई बार डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है जी, तो सामान्यतः जिलाधिकारी SP की बात को माना जाता है, लेकिन कई परिस्थितियां ऐसी होती नहीं है, उनको लगता है जिलाधिकारी SP को इतना अनुभव नहीं है जितना प्रमुख सचिव गृह को या DGP को है,
वो अपनी बात को मनवाते हैं, उसमें प्रवेल करते हैं। मुझे लगता है इस केस के अंदर भी ऐसा ही हुआ है। सारे निर्देश शासन सत्ता से हुए हैं, इसीलिए जिलाधिकारी को बचाया जा रहा है, ट्रांसफर नहीं किया जा रहा है, बर्खास्त नहीं किया जा रहा है। एसपी के माम चूंकि इसमें बहुत सा रोल मुख्य रूप जिलाधिकारी का था, निर्देश जिलाधिकारी को आ रहे थे, वही एसपी को बता रहा था, और कई मामले में एसपी हो सकता है जिलाधिकारी की बातों को ना सुन रहा हो और जिलाधिकारी ने ये मैसेज दिया हो सरकार को कि एसपी मेरी बात नहीं सुन रहा है, इसलिए पहले उन्होंने एसपी को सस्पेंड कर दिया कि ये बात नहीं मान रहा है, कुछ अपनी मनमर्जी कर रहा है। लेकिन कई मोर्चों पर तो हमने देखा जब जब मीडिया से मुखातिब हुए तो दोनों एक साथ आए, जय और बीरू की जोड़ी की तरह, पहले डीएम आए फिर कप्तान साहब आए, ये स्थिति भी देखी गई। अमित त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रवक्ता। त्रिपाठी जी स्वागत है आपका। त्रिपाठी जी, न्याय की गुहार लगाई जा रही है, एक तरफ पीड़ित परिवार कह रहा है कि बिटिया को न्याय दीजिए, हम सभी को न्याय दीजिए, और दूसरी तरफ अलीगढ़ की सलाखों के पीछे यानी कि जेल के भीतर से एक चिट्ठी आती है, चारों आरोपी ये कहते हैं कि हम बेकसूर हैं, बेगुनाह हैं, हर एक जांच के लिए तैयार हैं, आखिर हो क्या रहा है ये सब कुछ? देखिए सुनील जी, मैं राजनीति से हटके तथ्य पे बात करूंगा। मैं उम्मीद भी यही करता हूं आपसे जी। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से आपने देखा कि 14 तारीख को ये घटना हुई, घटना होने के तुरंत बाद, घटना नहीं होनी चाहिए थी, दुर्भाग्यपूर्ण है लेकिन हुई, उसके बाद सरकार का काम क्या रहता है कि कैसे अपराधियों को उसको अंजाम तक पहुंचाया जाए, सजा दिलाई जाए। क्या उसमें मुख्यमंत्री जी ने कोई देरी की? मुख्यमंत्री जी ने तत्काल एसआईटी गठित की, गठित करने के तुरंत बाद 24 घंटे के अंदर। त्रिपाठी जी, अब देखिए सवाल उठा दिया तो फिर सवाल उठा दिया तो कुछ मेरे जहन में जो वाक्य आए तो उनको सुन लीजिए। अब आप 14 तारीख को घटना होती है, सुनिए पहले, अब सुनिए त्रिपाठी जी, देखिए इस तरीके की चीजें नहीं, जनता को भ्रमित मत करिए। आप लोग क्या है ना, अब आपने 14 तारीख से सीधा मुख्यमंत्री तक जोड़ दिया, अरे भैया बीच में जो चीजें हुई उसको तो सुन लो त्रिपाठी जी। मैं अपनी वॉइस को इको करने की बात आपसे कह रहा हूँ कि इको हो गई है, उसको सही करा दीजिए। मैं आपकी बात सुन रहा हूं। इको तो ठीक हो जाएगा, लेकिन जो आपने इको कर दिया उस इको को तो मुझे समझाना होगा ना बाकी लोगों को। भ्रमित हो जाएंगे लोग। मैं आपको जवाब दूंगा। आपने 14 तारीख की घटना का जिक्र किया, घटना हुई बोले मुख्यमंत्री ने तत्काल प्रभाव से काम किया। सूर्य प्रताप सिंह जी सुन लीजिएगा, 14 तारीख की घटना का जिक्र कर रहे हैं त्रिपाठी जी और कह रहे हैं मुख्यमंत्री ने इसमें एसआईटी गठित कर दी। अरे भैया ये बीच का जो टाइम था, पीड़िता मर गई, उसकी मौत हो गई, उसके बाद ये कृत्य हो गया, हाथरस के अंदर उसको रातों रात 2:30 बजे जला दिया गया, उसके बाद एसआईटी और ये तमाम सारी, जब सरकार घिरती दिखी, सुनिए पहले त्रिपाठी जी सुनिए, जब सरकार घिरती दिखी तब एसआईटी का गठन हुआ ना। अब ये सारी बीच की चीजें तो आपने हटा दी, अब बताइए आप, सुनिए आगे, अब बताइए आप। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जिस दिन आपने बताया 14 तारीख को घटना हुई, क्या आपके पास वो चिट्ठी है जब उन पीड़िता के भाई ने थाने में दी, उसमें पीड़िता ने, उसके भाई ने कहीं भी रेप का आरोप नहीं लगाया था, तो कैसे पुलिस कहीं रेप का वो लिख देगी मुकदमा? अपने मन से तो लिख नहीं देगी। जिस हिसाब से आपके आरोप निकल के आए, कार्रवाई हुई, कार्रवाई होते ही 24 घंटे के अंदर जेल में गए अपराधी। जहां तक आपकी बात है, रात को 2:30 बजे आग लगा दी गई, बिल्कुल उसकी ही कई प्रश्न ऐसे थे जिसके सवाल शासन को नहीं मिल पा रहे थे, हमारे मुख्यमंत्री जी को नहीं मिल रहे थे, इसमें एसआईटी गठित हुई। जब एसआईटी गठित होने के बाद आप आज देख रहे हैं कि आज जिस तरीके से वीडियो निकल के आए, कई लोगों जैसे कांग्रेस के नेता जो एक साजिश का एक वीडियो निकल के आया, उन्होंने कहा कि इस तरीके से लोगों को आप आइए 25 में मन मानिएगा, 50 में मानिएगा, तो क्या ऐसे तथ्यों की जांच नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल करिए, बिल्कुल जांच। मैं आपसे वही कहना चाहता हूँ सुनील जी, सरकार बिल्कुल गंभीर है। मैं आपसे फिर कहना चाहता हूँ कि राजनीति से हट जाइए और आइए एक साथ, हम लोग आरोपियों को सजा दिलाएंगे, चाहे वो कोई भी हो, हम किसी को बचाने का कार्य नहीं करते हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि आज जिस तरीके से पीड़िता के नाम पे राजनीति की जा रही है, राजनीतिक टूरिज्म चल रहा है हाथरस में, क्यों चल रहा है? आप आइए राजस्थान जाइए, राजस्थान में न्याय दिलाइए, क्यों नहीं दिला रहे? अब देखिए, अभी आपने कहा कि राजनीति से हटकर बात करिए, अब आप राजस्थान पहुंच गए, ये बड़ी समस्या है। एक बात पर टिकिए, न्याय की बात करें ना, नहीं, एक बात पर टिकिए, न्याय की है ना, क्या वो देश की बेटी राजस्थान में नहीं है? सुनिए, क्या देश की बेटी आजमगढ़ में नहीं है? त्रिपाठी जी सुन तो लीजिए महाराज, में नहीं है, सुनिए थोड़ा। त्रिपाठी जी, मेरे साथ सूर्य प्रताप सिंह पूर्व आईएएस भी मौजूद हैं, कई जगह उन्होंने
जिलाधिकारी के तौर पर सेवाएं दी हैं, एक लंबा जीवन उन्होंने गुजारा है प्रशासनिक सेवा में, वो भी इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि जिला प्रशासन से चूक नहीं हुई, गलती नहीं हुई। वो भी इस बात को कह रहे हैं, हाँ हुई है, डीएम से गलती हुई है, एसपी से गलती हुई है, और ये वही एसपी है जो उन्नाव वाला एसपी, जो उन्नाव में जिस समय तैनात था कुलदीप सेंगर वाले मामले में, ये वही एसपी है जो अपराधियों को हमेशा संरक्षण देता है। वो इस बात को खुद कह रहे हैं। हमारी सरकार भी तो कह रही, माननीय मुख्यमंत्री जी भी तो यही कह रहे हैं कि आप जांच का तो इंतजार करेंगे, जांच भी नहीं होने देंगे क्या? सीबीआई से बड़ा कोई है, कानून से बड़ा कोई है? आरोप लगाने के बाद क्या जांच नहीं होगी? ऐसे ही किसी को सजा दे दी जाएगी? मैं दूसरी चीज कहना चाहता हूँ, सूर्य प्रताप सिंह जी जो आरोप लगा रहे हैं, सूर्य प्रताप जी से मैं कहना चाहता हूँ, व्यक्तिगत मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन इनके इतिहास को भी लोग जानते हैं, इनके ट्विटर को भी लोग अगर देखते हैं तो वो जानते हैं इनका इतिहास है कि ये योगी सरकार के खिलाफ जहर गंदे का काम अपने सोशल मीडिया के माध्यम से करते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, अपराधी जिस तरीके से पकड़ा गया है और जिस तरीके से नहीं, कोई सवाल पूछ ले त्रिपाठी जी, कोई सवाल पूछ ले, कोई सवाल उठा दे तो जहर उगलने का काम हो जाता है। ठीक है, बने रहिएगा। सूर्य प्रताप सिंह जी आपके पास लौटूंगा, एक ब्रेक के लिए मुझे रुकना होगा। त्रिपाठी जी आप भी बने रहिएगा, जल्दी लौटेंगे। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ एएनबी न्यूज पर। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए एएनबी न्यूज इन चैनल नंबर पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। ये दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है, इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे एक महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-4545-4545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका इंसाफ की दरकार। जी हां, दोनों ओर से एक तरफ पीड़ित परिवार लगातार इंसाफ की दरकार कर रहा है तो दूसरी तरफ आरोपी पक्ष भी अब इंसाफ के लिए पत्र पर पत्र लिख रहा है। एक तरफ पिता उसके पत्र लिखते हैं और हर एक जांच के लिए तैयार होते हैं तो दूसरी तरफ चारों आरोपी सलाखों के पीछे से एक पत्र लिखते हैं पुलिस अधीक्षक को और कहते हैं कि हम एक जांच के लिए तैयार हैं लेकिन हम निर्दोष हैं, हमें फंसाया जा रहा है। आखिरकार राजनीति भी अपने चरम पर है। हमारे पास खास दो मेहमान इस चर्चा में जुड़े हुए हैं, सूर्य प्रताप सिंह पूर्व आईएएस और अमित त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। त्रिपाठी जी, आप तो लगातार जहर उगलने का काम करते हैं सरकार के खिलाफ, भाई अगर आप सवाल पूछ लेते हैं कोई तो जहर उगल देते हैं क्या? देखिए सुनील जी, आप एक संवैधानिक पद पे आपने भी काम किया है, जिस तरीके से आपने बताया हम लोग भी जानते हैं, लेकिन मेरा कहना है कि क्या आज जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि पीएफआई के हाथ इसमें निकम के सामने आ रहे हैं उस पर कोई बात नहीं। मैं सवाल मैं तो ये पूछ रहा हूँ, अगर सूर्य प्रताप सिंह एक सवाल पूछ लेते हैं तो आप कह देते हैं जहर उगल रहे हैं। सूर्य प्रताप जी क्यों,
एक तरफा अगर कोई चीज की बात होगी तो सवाल उठेंगे। भैया 5 साल सरकार आपकी है, जाए जाए। 5 साल सरकार आपकी है, सरकार आपकी है त्रिपाठी जी, 5 साल की हिम्मत भी हो। अब सुन लीजिए, सुन लीजिए त्रिपाठी जी, सुनिए ये बात। सिंह साहब आवाज चुप हो जाइए, सुन लीजिए बात, जैसे मैं सुन रहा था जब आप बोल रहे थे। जी सिंह साहब, क्योंकि आपने व्यक्तिगत बात कह दी तो आप सुन लीजिए अब आप, और ध्यान से सुनिएगा। जब मैं अखिलेश यादव के खिलाफ तो मुझसे सवाल पूछा करता था जी, उसको अगर जहर नहीं उगलता था, बड़ी तारीफ करते थे, मेरी बड़ी पीठ थपथपाते थे। आज मैं इनसे सवाल करता हूँ, लोकतंत्र में सवाल पूछना हक है हमारा, तो इनको लगता है जहर उगल रहे हैं सरकार के खिलाफ। अरे आप ये जवाब दीजिए, बिना जांच पूर्ण किए हुए एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने कैसे कह दिया रेप नहीं हुआ? ये तो आपका प्रश्न का जवाब है आपके पास, क्यों ये 8 दिन तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई गठित हुई है, किसी के सीबीआई में हुई है, किसी का पीछे बोल रहे, आपने धैर्य नहीं है सुनने का, क्योंकि चोर की गाड़ी में तिनका इसलिए बोलेंगे आप बीच में, आपकी चाप सुनने की क्षमता नहीं है आपके। पार्टी जी सुन लीजिए, सुनेंगे नहीं, सुन लीजिए, सुनने की क्षमता नहीं है, नहीं सुनेंगे ये, क्योंकि इनमें क्षमता नहीं है सुनने की, ये खाली बोलने की क्षमता, झूठ बोलने की क्षमता है, सुनने की क्षमता नहीं है इनमें, इसे नहीं सुनेंगे ये। त्रिपाठी, एक हफ्ते तक एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हुआ, क्यों छेड़खानी की एफआईआर रही जी? उसके बाद मेडिकल लीगल रिपोर्ट जब अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की आई, इसमें कहा गया इंसर्शन हुआ है फोर्सफुल, पेनिस का इंसर्शन है, तो 376D लगाई गई, उसके बाद भी आपके एडीजी लॉ एंड ऑर्डर कहते हैं रेप नहीं हुआ। अरे एसआईटी आपने गठित कर दिया, कोई एहसान थोड़ी कर दिया आपने, जांच करना सरकार का दायित्व है, और महत्वपूर्ण केस था ये, हाई प्रोफाइल केस था, एसआईटी इसलिए गठित किया आपने, आपने डीएम ने जाकर धमकाया वहां पे वो पीड़िता को, आपने कार्रवाई नहीं की उसके खिलाफ, जिसका मतलब आप ओन करते हैं कि डीएम जो कर रहा है ठीक कर रहा है। डीएम ने रात में 2 बजे 2:30 बजे लाश को जला दिया, इसको आप ठीक मानते हैं बिल्कुल, इसलिए आपने डीएम को नहीं हटाया। आप बताइए जवाब, इनके पास प्रश्नों का जवाब नहीं। त्रिपाठी जी, इंक्वायरी, त्रिपाठी जी जवाब दीजिए। देखिए भाई, यहाँ तो फैक्ट 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 के ऊपर काम हो रहा है, सूर्य प्रताप सिंह तो फैक्ट रख रहे हैं। अब आप हवा भाई बातें मत करिए, आप उनका काउंटर करिए, आपके पास जवाब है तो दीजिए। त्रिपाठी जी सुनील जी हवा भाई आपको लगाओगे, लेकिन जनता सुनेगी तो उसको तथ्य पता चलेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो रात में आग लगाई गई है, हम लोग हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी यही चीज कही है कि इसीलिए सीबीआई जांच भी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में करने की बात कही गई है। दूसरी चीज है जो सुप्रीम कोर्ट में हमारी सरकार ने कहा है कि कुछ इनपुट थे कि जिनको देखते हुए कि हमें वो चीजें करनी पड़ी, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि क्या हम लोगों को जांच का इंतजार नहीं करना चाहिए? जिस हिसाब से जातिगत दंगों की ताग निकम के सामने आ रहे हैं, आज ही आपने देखा कि एक आर्मी अफसर ने बताया, एक वीडियो रिलीज हुआ है जिसमें वो कहते हैं कि पीड़िता और उनके जो मृतक बेटी थी हमारी, वो दोनों 15 दिन पहले अब घर से भाग चुके हैं। तो क्या ऐसे वीडियो एक आर्मी अफसर इस तरीके की बात कर रहा है, इस तरीके की चीजें निकल के आ रही है? अब तो त्रिपाठी जी, त्रिपाठी जी अब तो न जाने कितने वीडियो आपके हाथ लगेंगे। त्रिपाठी जी अब तो न जाने कितने वीडियो हाथ लगेंगे। मुझे तो दो मासूम से सवालों के जवाब चाहिए जो पूछे जा रहे हैं, ये इनकी सोच है। एसपी सिंह द्वारा जो पूछे जा रहे हैं उन सवालों के जवाब दे दीजिए। सोच नहीं है, आप सच नहीं सुनना चाहते हैं। अगर सूर्य प्रताप सिंह जी आपके सच को झूठ और प्रपंच के सिवा कुछ नहीं करते, आप कह रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय साजिश हो रही है, पीएफआई आ गया, गिरफ्तार करो ना पीएफआई को, उसका अकाउंट फ्रीज करो ना, 50 साल कहाँ आया पीएफआई? सीएए में 150 करोड़ आया था, पीएफआई ने पूरी बैंक दिया था पीएफआई को। आप झूठ बोलते हो, पीएफआई के कंधे पे बंदूक चलाते हो आप। ये इतनी निकम्मी सरकार है, इतनी नाकारा सरकार है, झूठ बोलती है, भ्रष्टाचार का है इस सरकार में, कानून व्यवस्था समझ नहीं रही है, बहुत नाकारा प्रदेश में ये सरकार पूर्व सरकार से ज्यादा भ्रष्ट है। इस सरकार में 8 बलात्कार प्रतिदिन होते हैं बच्चियों के, एनसीआरबी की रिपोर्ट है। कम से कम सूर्य प्रताप सिंह जी उसकी मुंह से आवाज नहीं निकलती है, क्योंकि वहां पे आपके विरोधी योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री नहीं है। आपके षड्यंत्रों को उजागर करना हमारा काम है, षड्यंत्र के बगैर कोई फंसेगा नहीं, षड्यंत्र करेंगे अपराधियों को जेल के पीछे भेज के एमपी जेल में जाकर बलात्कारियों के साथ चाय पीता है। आप इनकी मानसिकता समझ लीजिए त्रिपाठी जी की, क्या कोई एमपी नहीं गया है,
झूठ के आधार पे कोई बात मत करिए। आपने क्या झूठ की स्टडियां, आप लोगों का काम ही है चांद निकल गया कि विभाजन की राजनीति करना। जब 144 में कोरोना का महामारी लगी है, जातिगत पंचायत भाई अमित त्रिपाठी जी, ठीक है एसपी सिंह जी, ठीक है अमित त्रिपाठी जी, कुछ तो तथ्य उन्होंने रखे, उनके जवाब आप दे दीजिए। देखिए आप कभी कहीं पहुंच जाते हैं, कभी कहीं आप कहते हैं कि ये पूर्व में ऐसे रहे, इनके कारनामे ऐसे रहे, आप व्यक्तिगत तौर पर चले जाते हैं। कुछ मासूम से सवाल उन्होंने रखे, क्योंकि जिलाधिकारी के तौर पर मैं बता रहा हूं फिर भी, और आप भी जानते हैं वो पेचीदगियां, वो स्थितियां प्रशासनिक तौर पर सुनील सिंह को जानकारी हो ना हो, अमित त्रिपाठी को ना हो, लेकिन सूर्य प्रताप सिंह को जानकारी है। वो रहे ना यार, एक आईएएस अफसर रहे वो, उन्होंने जिले की पूरी व्यवस्था को संभाला। अब त्रिपाठी जी, अब ये बता दीजिए, आप कह रहे हैं कि पीएफआई का खेल हो गया, देश में आपकी सरकार, प्रदेश में आपकी सरकार, ये खुद क्यों नहीं गिरफ्तार करते आप लोग? दंगे की होंगे इन्होंने, तो हो गए सुनील जी, त्रिपाठी जी चांदों की गिरफ्तार खोले ना खाका, त्रिपाठी जी क्यों गिरफ्तारी नहीं होती ये बताइए। चार ऐसे लड़कों को गिरफ्तार कर लिया, उनको बता दिया, नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ, उन्हीं पे आ रहा हूँ, मैंने चार लोगों को गिरफ्तार किया, बोले इनकी साजिश थी हाथरस में जा रहे दंगा फैलाने। ये हमारे लिए आरोप लगा रहे हैं, इनका बता दीजिए श्री विद्यावत सुनील, नहीं आपको भी मिल रहा है, आपको भी मिल रहा है, नहीं आप सरकार है, सवाल तो मिलेंगे, सवाल का जवाब तो देना होगा त्रिपाठी जी। देखिए अब सरकार आप है, एसपी सिंह जी अब त्रिपाठी जी कह रहे हैं, त्रिपाठी जी कह रहे हैं थोड़ा हमें सुन लीजिए, सरकार की आवाज मत दबाइए। कैसे सुने, इन्होंने व्यक्तिगत आरोप लगाया, इसलिए मैं कह रहा हूँ ऐसे ही लोग बलात्कार करते हैं जैसे त्रिपाठी बैठे हैं। ये लोग ही दलित के साथ नहीं खड़े हुए हैं, ये पीड़िता के साथ नहीं खड़े हुए हैं, हिंदुओं के साथ आप जैसे लोग खड़े होते हैं। अपनी नौकरी में आपने क्या किया है वो देश जानता है, व्यक्तिगत नहीं के दलित थे, आप दलितों के साथ खड़े होने वाले इंसान है। अरे आपकी व्यक्तिगत छवि को लोग जानते हैं क्या है, इसलिए मुझे व्यक्तिगत मत होइए, आप दलितों के साथ खड़े होने वाले व्यक्ति हैं। आपकी सरकार बहुत वाजिब है, आपके सड़ियां कामयाब नहीं हो पा रही योगी जी की सरकार में, इसलिए आप परेशान है। ठीक है अब दोनों की बातें हो गई हो, व्यक्तिगत तौर से हटके अब थोड़ा सा इस मामले की गंभीरता को समझ लें। मैं तो कुछ फैक्ट एसपी सिंह आपसे भी चाह रहा था और त्रिपाठी जी आपसे भी चाह रहा था, अब मामला व्यक्तिगत तौर पर चला गया, मैं तो शांत होकर बैठ गया, मैंने आप लोग पहले अपनी अपनी बातें रख ली। मैं वही कह रहा हूँ, मैं गुजारिश कर रहा हूँ, मैं विनम्र निवेदन कर रहा हूँ, हाथ जोड़कर मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ, कृपया कम से कम इस मामले की गंभीरता को समझकर, त्रिपाठी जी आपसे भी चाहता हूं वही चीज और सिंह साहब आपसे भी। नहीं मैं तो मैं ठीक से आप जिस मैं आपने पूछा कि रात में 2:30 बजे लगाई गई आग, बिल्कुल यही हमारे लिए भी, हमारे सामने भी ये प्रश्न था कि ऐसा क्यों किया गया, इसीलिए हमारे पास ये प्रश्न नहीं के जवाब नहीं संतुष्ट है हमारी सरकार, इसने जांच के लिए आगे बढ़ाई गई बात, और आपने देखा कि एसपी समेत सीओ समेत 5 पुलिस वालों को सस्पेंड भी किया गया। और रही बात जहां तक डीएम की, आपने सुना होगा मुख्यमंत्री जी की बात, उन्होंने एक चीज कही है कि एसआईटी की पूरी रिपोर्ट आ जाने दीजिए, जो भी अपराधी है, जिस स्तर का भी अधिकारी भी अगर दोषी है तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। तो मेरा कहना सिर्फ ये है कि क्या हमें जांच पर यकीन नहीं करना चाहिए, क्या हम लोग कानून से बड़े हो जाएंगे, क्या हम ही आरोप और हम ही सजा दे देंगे? चलिए मैं कुछ और चीजें आपके सामने रख दूं, कुछ फैक्ट रख दूं, फिर उसके बाद शायद हो सकता है आप भी उस मसले को समझें और शायद मेरी बातों से सहमत हों। जिस दिन ये घटना हुई उसके बाद आपने कहा कि ऐसी कोई तहरीर नहीं दी गई थी कि 376 का मामला दर्ज होता, ठीक है मान लिया। अब सुन तो लीजिए त्रिपाठी जी, थोड़ा धैर्य रखिए, अब आप विपक्ष की आवाज़ नहीं सुनते हैं, आप मीडिया की भी आवाज़ बंद करने पर लगे हुए हैं, थोड़ा सुनिए। उस दिन नहीं हुआ, उसके बाद अस्पताल भेजा जाता है, दूसरे तीसरे दिन तबीयत ज़्यादा बिगड़ती है, तब उसके बाद वहाँ पर बयान दर्ज होते हैं, 22 तारीख तक का समय हो जाता है 14 से, यानी कि 6-7 दिन निकल जाते हैं। उसके बाद भी सुरक्षा व्यवस्था के तौर पर आपका जिला प्रशासन 2 पुलिसकर्मी मुहैया नहीं करवा पाता उस पीड़िता के लिए, 2 पुलिसकर्मी, 2 महिला सिपाही उसकी सुरक्षा में तैनात नहीं होती हैं अस्पताल में, और जब उसकी मौत हो जाती है उसके बाद पूरे जिले में पूरे जिले को छावनी में तब्दील करना पड़ता है, आगरा मथुरा अलीगढ़ न जाने कहां कहां से आपको पुलिस मंगानी पड़ती है लोगों को रोकने के लिए। अरे यही काम अगर 2 सिपाही पहले रख दिए होते उसकी सुरक्षा व्यवस्था में, तो शायद आपको मौत पर भी संदेह नहीं होता
कि आखिरकार उसकी जान कैसे गई उस पीड़िता की, ये भी आपको वीडियो में मिल जाएगा कि अब कल को आपको ये लगेगा कि ये तो संदिग्ध लग रही है ये मौत भी हमें। त्रिपाठी जी ये चोर है, इनकी दाढ़ी भी है, इनकी चिंता दाढ़ी में, इसलिए बोलने नहीं दे रहे आपको। पीड़िता की हत्या हुई है बाद में, रेप के बाद हत्या हुई है वहाँ अस्पताल जाते समय, क्या आप इस चीज को कहना चाहते हैं? एक फैक्ट तो ये भी है त्रिपाठी, एक फैक्ट तो ये भी है कि अब तक तो ये है कि बलात्कार नहीं हुआ और जो आरोपियों ने लिखा कि ऑनर किलिंग है, ऑनर किलिंग। मुझे आप ये बताइए सुनील सिंह जी, क्या आपको कानून पे यकीन नहीं है या स्वतंत्र? मुझे तो भैया सब पे यकीन है, मुझे आप पर भी यकीन है। माफी मांगे इन्होंने सूर्य प्रताप सिंह के लिए, कहा था माफी मांगे, ये चोर है, इनको माफी मांगना चाहिए, इनको बोलने बोलने से पहले शर्म मांगे। आपने नौकरी करते समय आपने ये सबका मुंह बंद करना चाहते हैं, मीडिया का मुंह बंद करना चाहते हैं, जो इनका विरोध करे उसका मुंह बंद करना चाहते हैं। ये अपराधी हैं, ये खुद बलात्कारी होंगे, इनका रिकॉर्ड देखना पड़ेगा। ये त्रिपाठी जी, आपने कभी बलात्कार किया है क्या? देखना पड़ेगा रिकॉर्ड आपका। सूर्य प्रताप जी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, गुजारिश कर रहा हूं कि देखिए आप मर्यादा में रहकर बात करिए, व्यक्तिगत तौर पर आप इस तरह की टीका टिप्पणी मत करिए। भाई अमित त्रिपाठी के लिए अगर आप ये कहेंगे कि उनका रिकॉर्ड चेक कराना होगा, तो जाहिर सी बात है कि ये भाषा ठीक नहीं। एक बड़े औहदे पर रहे हैं सूर्य प्रताप जी, आप ठीक है चाहेगा कि अंदर इनके दिमाग के अंदर का गंदापन है। नहीं नहीं ठीक है सूर्य प्रताप जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, देखिए अब बाकी चीजों को अगर किनारे करके मैं ये देखूं, ऑनर किलिंग का भी निकल कर एक जिक्र सामने आ रहा है, अमित त्रिपाठी भी इस बात को कह रहे हैं कि देखिए एक के बाद एक वीडियो सामने आ रहे हैं, उससे इस पूरा घटनाक्रम जो है सवालों के घेरे में, संदेह के घेरे में है। तो क्या ऐसी व्यवस्था नहीं कर सकता था जिला प्रशासन? देखिए सबसे पहला इश्यू यह है कि मुख्यमंत्री जी ने सीबीआई इंक्वायरी का आदेश कर दिया, अनाउंस कर दिया, तो एसआईटी को 10 दिन क्यों दिया? एक प्रश्न ये बनता है ना भाई, सीबीआई का भरोसा सबको है और सीबीआई को आपने खुद कह दिया कि हम सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर सीबीआई इंक्वायरी हम चाहते हैं, सरकार ने खुद कह दिया, उसके बावजूद भी एसआईटी जांच कर रही है, क्यों कर रही है? कोई जवाब है इनके पास? कोई जवाब नहीं है, क्योंकि आरोपियों को बचाना चाहते हैं ये पीड़िता को न्याय नहीं देना चाहते, इसलिए एसआईटी जांच कर रही है। नंबर वन, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए त्रिपाठी जी, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, सुनिए मैं उंगली नहीं उठा रहा हूँ आपकी तरह, ठीक है? आप उंगली उठा रहे हैं, मैं उंगली नहीं उठा रहा हूँ। उन्होंने उंगली उठाई है त्रिपाठी जी ने, तो सिंह साहब उन्होंने कोई मर्यादित टिप्पणी नहीं की है। धमकी मत दीजिए, ठीक सोई पता की धमकी मत देना। अरे धमकी तो आप देते हैं, एफआईआर तो आपने दर्ज की है ना, मैंने थोड़ी दर्ज की है। अरे आप हमारा कुछ बिगाड़ लीजिए, क्या बिगाड़ेंगे आप? सब धमकी देंगे, क्या बिगाड़ेंगे हमारा? अब सरकार में धमकी आप दे तो आप अहंकारी हो, आप बलात्कारियों के साथ खड़े हो, आप पीड़िता के साथ नहीं खड़े हो, अब बलात्कार ये दिखाई दे रहा है। एसआईटी की जांच क्यों चल रही है, बता जवाब दो। एसआईटी की जांच, एसआईटी की जांच इसलिए चल रही है क्योंकि बहुत सारे तथ्य बाहर निकल के आ गए, इसलिए एसआईटी बढ़ाई जा रही है। जब डर नहीं है तो एसआईटी जांच करे, चाहे नागपुर टेस्ट हो चाहे सीबीआई हो, क्या दिक्कत है? एसआईटी जांच करेगी, बात खत्म। मैं पूछना चाहता हूँ सूर्य प्रताप जी, बस इतना बता दीजिए, तथ्य आप भी चाहते हैं सामने आए, मैं भी चाहता हूँ सामने आए। मैं कहता हूँ मेगा नार्को टेस्ट करा लीजिए, जनता का करा लीजिए, जो चाहता हूँ उसका करा लीजिए। जब मैं दोषी हूंगा तो नार्को टेस्ट में मैं साबित हो जाऊंगा, क्या दिक्कत है? जो भी जिसका भी होगा होने दीजिए। आपसे सूर्य प्रताप जी, आप इतने संवैधानिक पद पे रहे हैं, क्या आपने कोई आरोपी को पकड़ा है, दो ही दिन में उसको जेल में डाल के उसको आरोप तय कर दिए हैं क्या? नहीं किया ना, आपका काम है आरोपी को पकड़ना, न्यायालय सजा देता है, उसके लिए जांच होती है, जांच का इंतजार करना पड़ेगा ना, कि आप ऐसे ही किसी को देते हैं सजा? मैं यही पूछ रहा हूँ आपसे। दूसरा प्रश्न बताइए, सुन लीजिए, प्रश्न सुनिए, अगर शालीनता से बात करेंगे मैं शालीनता से बात करूंगा, नहीं बिल्कुल उत्तर आप नहीं दे पाए। एसपी सिंह जी आप जवाब दीजिएगा, लेकिन एक ब्रेक के लिए मुझे रुकना होगा, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा और मैं ये भी जानने की कोशिश करूंगा। देखिए आरोपी की चिट्ठी पर भी बात हो गई,
और ये भी हो गया कि भैया साजिश के तहत ये सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन सीधे तौर पर ये कि नहीं, इसमें कुछ और घालमेल है। लेकिन पीड़ित परिवार अभी भी कह रहा है कि बेटी को चुपके से जला दिया, हमको जहर दे दो। इस पर भी बात होगी ब्रेक के बाद। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। ये दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है, इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे एक महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-4545-4545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। यहाँ तो इंसाफ की दरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत। पैनल में खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, एसपी सिंह यानी कि सूर्य प्रताप सिंह, पूर्व आईएएस, और साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से अमित त्रिपाठी, जो कि लगातार पक्ष रख रहे हैं और बता रहे हैं कि सरकार ने हमेशा से संजीदगी से काम किया, इस मामले की भी गंभीरता को समझा, लेकिन कुछ लोग हैं जो साजिशन सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो प्रदेश के साथ साथ हाथरस को टारगेट बनाकर देश भर में दंगा फैलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन सवाल फिर वही कि आखिर इंसाफ के लिए लड़ कौन रहा है? सीधे तौर पर आज पीड़ित परिवार की ओर से ये बयान आया, जब चिट्ठी का जिक्र किया गया और ये पता किया गया कि आरोपी लगातार चिट्ठी लिख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम हर एक जाँच के लिए तैयार हैं और आप लोग तो मना कर रहे हैं। पीड़ित परिवार की तरफ से ये दलील आती है कि बेटी को चुपके से जला दिया, हमको जहर दे दो। एसपी सिंह जी, मैं व्यक्तिगत तौर पर अगर आपसे ये जानना चाहूं कि आपने देखिए जहां जहां सेवा दी, कहीं इस तरीके के मामले आए हों सामने, किस तरह से न्याय दिलाने का काम किया आपने और कौन ऐसे बड़े मामले आपके कार्यकाल के दरमियान रहे जहां पर आपको लगा कि भैया वाकई में जब कोई मामला उलझता है तो सारा सिस्टम को उलझा देता है? आप बताइए जरा अपना व्यक्तिगत तौर पर, जब आपने कार्यकाल अपना रखा। जब देखिये मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ था और वो दंगा हुआ था जिसमें उत्तराखंड से आने वाले जो महिलाएं थी उनका मुजफ्फरनगर में रेप हुआ था, आपको याद होगा, गन्ने के खेत में रेप हुआ था, बहुत बड़ा आंदोलन एक हुआ था उत्तराखंड बनने के समय आंदोलन हुआ था जी। और मुझे मुजफ्फरनगर जिलाधिकारी रिपोर्ट किया था सरकार ने, स्थिति को संभालिए, जिलाधिकारी को रातों रात ट्रांसफर किया गया था। मैं वो दृष्टांत सुना देता हूँ। देखिए हमें सिखाया जाता है जिलाधिकारी के रूप में आपको क्या करना है, आपको जनभावनाओं को आहत नहीं करना है, जनभावनाओं को साथ लेके चलना है। ये पहला दृष्टांत है कानून व्यवस्था में, बशर्ते कि वो जनभावनाएं इस हद तक पहुंच जाए कि कानून व्यवस्था की समस्या पैदा हो जाए। इस केस में क्या हुआ है, इस केस में 14 तारीख की घटना है, 29 की मृत्यु होती है, 29/30 की रात को 12:40 कहता है कोई, 2:30 कह रहा है, लाश को रात में उनसे छीन के परिवार को, परिवार से जला दिया जाता है। आप समझते हैं ये छोटा मोटा निर्णय किसी का नहीं है, ये जिलाधिकारी एसपी का निर्णय नहीं है, ये जिलाधिकारी तो खुद कहेगा चिल्ला चिल्ला के, आपने जो काम मैंने किया
और जिलाधिकारी ने जो किया उसको सरकार ने ओन किया, इसलिए जिलाधिकारी को ट्रांसफर नहीं कर रहे। आप देखिए कौन, जब आप जानते हैं निर्भया केस के अंदर भी मीडिया को दूर नहीं रखा था इस सरकार ने, सामान्यतः मीडिया से ट्रांसपेरेंसी रखते हैं हम लोग। जो मुजफ्फरनगर में घटनाएं हुई थी मैंने जाने जाने के बाद सबसे पहले यही खोला था। इन बातों में कुछ सच्चाई भी है सिंह साहब, तो लेना चाहे सिंह साहब, सिंह साहब जो आप बातें बता रहे हैं इनमें कुछ सच्चाई है या फिर सिर्फ आप अपना तजुर्बा बता रहे हैं कि इस तरह की स्थिति भी बन सकती है, या फिर आपके तजुर्बे के अनुसार ऐसी स्थिति बनती है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। देखिए जब जातीय द्वेष, जब आप लगता है कि दलित का उत्पीड़न हुआ है और सामान्यतः सदियों से पीड़ित जो समाज है, उपेक्षित समाज है, उसके प्रति सहानुभूति होनी चाहिए, ये सामान्य चीज है और समाज की सहानुभूति होती भी है। अब यह है कि इस मामले में जब पता चल गया कि यह सवर्ण वर्सेस दलित है, इसमें राजपूत बाहुल्य क्षेत्र है, गांव राजपूत बाहुल्य है और सवर्ण का जो बलात्कार हुआ है, बलात्कार हुआ तो नहीं, ये तो जांच का विषय, मैं अभी नहीं कहूंगा इसको, ये तो एडीजी कहेंगे बलात्कार नहीं हुआ। इशू ये है कि उसके बाद क्या हुआ, बलात्कार हो गया, इलाज आप नहीं करा पाए, दिल्ली एम्स में ले नहीं जा पाए, वो सब चूके हुई है। नहीं, मैं कुछ और चीज जानना चाह रहा था, ठीक है वो आपने बता दी, ये तो फिर बाद में फिर वही बातें आ रही है घूम के। मैं ये जानना चाह रहा था कि ऐसे मामलों में क्या वाकई में ऊपर से इस तरीके के आदेश आते हैं और ये दबाव होता है, ये प्रेशर होता है? देखिए अगर प्रदेश व्यापी जातीय संघर्ष आरंभ हो जाए तो ये बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता है। ऐसे मामले में जातीय संघर्ष की जहां अनुमान लगाया जाता है, जातीय संघर्ष हो सकता है, दलित और सवर्ण का मुद्दा बन सकता है जो बन गया है, तो सामान्य जिला प्रशासन शासन को, सत्ता को, जो भी इम्पोर्टेंट मुख्यमंत्री को भी विश्वास। आपने मुजफ्फरनगर का जिक्र किया, मैं ये जानना चाह रहा हूँ क्या मुजफ्फरनगर में जब आप बतौर जिलाधिकारी थे, डीएम थे, तो वहां पर भी इस तरह की चीजें झेलनी पड़ी आपको? आप चाहते कुछ थे लेकिन करना कुछ और पड़ा? नहीं नहीं, ये जरूरी नहीं है, लेकिन पल पल की सूचना शासन को देनी पड़ती है, मुख्य सचिव गृह को देनी पड़ती है, एसपी डीजीपी को देता है, कैसा आज ये घटनाक्रम हुआ, आज ये हुआ, गाइडेंस भी लेते हैं, लेकिन उनका अनुभव हमारे अनुभव से ज्यादा है। सामान्य जिलाधिकारी एसपी ही मौके में निर्णय लेते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि चूंकि शासन से अगर निर्देश प्राप्त हो रहे हैं उनका पालन करना पड़ता है, टीवी ने बाप का मतभेद है तभी करना पड़ता है, और वहां से उसी स्थिति परिस्थिति के अनुरूप आप लोगों को निर्देश आते हैं। ये आप देख लीजिए पटना घटना में डीएम का ट्रांसफर हो रहा है, क्यों नहीं बर्खास्त हुआ है? ठीक ठीक है भाई त्रिपाठी जी, डीएम का जो कृत्य है उसको सरकार ने ओन किया, सिंह साहब तो इस बात को मानने को तैयार नहीं। त्रिपाठी जी आवाज मिल रही है आपको? सिंह साहब तो मानने को तैयार नहीं, बोले ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऊपर से आदेश आए थे तब ये सारी चीजें हुई है, वरना अब तक तो डीएम साहब भी नप गए होते। डीएम तो कल को मुंह खोल देगा, बोले इनके कहने पे मैंने ये किया, इनके कहने पे ये किया। सुनील जी, मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ। नहीं, अब पूरा समय आप बोलिए। बलात्कार कहीं पे भी हो दुर्भाग्यपूर्ण हो, और बलात्कारी जो आरोपी होता है वो कभी भी ये देख के बलात्कार नहीं करता है कि वो सवर्ण समाज की है कि वो दलित समाज की है। पहले तो वो देश की बेटी होनी चाहिए, वो ना दलित की बेटी है, ना ब्राह्मण की बेटी, ना किसी की बेटी है। ये जो यहाँ पे लोग बैठे हुए, ये सिर्फ एक जातिगत उसको बढ़ा के जातिगत दंगे की तरफ इसको एक हवा देने का काम कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या और जाति में बलात्कार नहीं होते हैं? क्या उस पे ऐसे ही आवाज उठती है या उसकी जाति बताई जाती है? कभी नहीं बताई जाती है। मैं कहना चाहता हूं मेन होता है कि आरोपी को सजा मिलनी चाहिए और ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि आगे आने वाले समय में उनको इसका हो कि कभी ऐसी घटना ना घटे। मैं कहना चाहता हूं कि मुजफ्फरपुर दंगे का ये नाम ले रहे हैं, इनकी प्रशासनिक क्षमता उसी समय पता चल गई थी। मुजफ्फरपुर दंगे में क्या हुआ था, मुजफ्फरनगर की बात कर रहे हैं, कैसे मारा गया था, वहां इनकी व्यवस्था कैसी थी? देखिए मैं कहना चाहता हूं, आज यहां उत्तर प्रदेश में जो जातिगत दंगे कराने की बात थी उसको प्रशासन ने पूरा फेंक कर दिया, और मैं आपसे बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद इस चीज को स्पष्ट किया है, एसआईटी की रिपोर्ट आने दीजिए, दोषी जो भी होगा, जो जितना भी बड़ा अधिकारी होगा वो भी नहीं बख्शा जाएगा, लेकिन हमारा प्रयास है कि अपराधी जेल जाए और जो न्याय जिनको हो। ठीक है, आपकी बात आ गई, आपकी बात आ गई, बहुत संक्षेप में। सिंह साहब, क्या चुनाव की दरकार है? राजनीतिक पार्टियों की ओर झुकाव है क्या आपका, जो आप जातिगत तौर पर मसले को उठा रहे हैं? त्रिपाठी जी तो यही मान रहे हैं। अरे एक बात बताइए, सवर्ण बाहुल्य गांव है, ठाकुरों का गांव है, किसी दलित की हिम्मत है कि ठाकुर की बेटी की तरफ आंख उठा के देख ले? आंखें नोच लेगा वो? दलित की बेटी गरीब की बेटी है, इसलिए फर्क हो रहा है?
नहीं, आप अपना भविष्य तलाश रहे हैं क्या राजनीति में? आप अपना भविष्य तलाश रहे हैं क्या? प्रवक्ता के तौर पे आप प्रवचन देते हैं, अपने ट्विटर पे भी वही प्रवचन चालू करते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, ये एक एजेंडा जातिगत चुनौती है, खुद ठाकुर होकर अपनी ठाकुरी की क्षमता पर सवाल उठाते हैं। मैं कहना चाहता हूँ त्रिपाठी जी, किस पार्टी की ओर झुकाव है सिंह साहब का? अब समय नहीं, लेकिन हाँ ये जरूर है कि राजनीति हर ओर है, हर चरम पर है। सिंह साहब ने भी कुछ फैक्ट रखे, कुछ बातें रखी, लेकिन उनको भी घिरना पड़ा। त्रिपाठी जी सीधे तौर पर घिरते आए, बोले ये प्रवक्ता के तौर पर काम करते हैं, ये भी अपना भविष्य तलाश रहे हैं राजनीति में जाने के लिए, इसलिए सीधे तौर पर इस बात को कह रहे हैं। लेकिन सवाल फिर वही कि न्याय के लिए जो गुहार लगाई जा रही है, जो दरकार की जा रही है, इस ओर वाकई में कोई गंभीरता से सोच भी रहा है, या सिर्फ जो लोग आते हैं और वो ढपली बजा कर चले जाते हैं, यानी कि हो हल्ला किया और उसके बाद निकल जाते हैं, फिर चाहे वो हाथरस की सरजमी पर जाने की बात हो, गले मिलने की बात हो, सांत्वना देने की बात हो, और उसके बाद जब चले आते हैं तो चीज़ें फिर ओझल हो जाती हैं, धूमिल हो जाती हैं, लेकिन इस ओर शायद किसी का ध्यान हो। हम इस पूरे मुद्दे को, मसले को उठाते रहेंगे, हर एक तस्वीर, हर एक बारीकी से इस पूरे मामले की जितनी भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसको जनता तक पहुंचाते रहेंगे। आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप लोग हमारे साथ जुड़े, त्रिपाठी जी आप जुड़े, सिंह साहब आप जुड़े, बहुत धन्यवाद आपका। विशेष में इतना ही, नमस्कार।